हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर, अ जर्नी ऑफ लर्निंग्स टू एक्सेल योर अर्निंग्स। ये लेवल्स नहीं है, ये मैजिक है। जो नए लोग हैं ना, वो प्रीवियस वीडियोस में हमारे लेवल्स कैसे काम करते हैं, चैनल को एक बार एक्सप्लोर करो, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस लेवल पे लर्निंग कर रहे हैं। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली आपको घुमाया नहीं जाता, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाता है। नए लोग हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन से करना है। बहुत सारे फ्रॉड एक्टिव हैं, उनको अवॉइड करना है। इस जर्नी में आप भी साथ में जुड़ो, ये प्रॉफिटेबल जर्नी है। और जिन्होंने चैलेंज ले रखा है वो आज से मेरे को कमेंट में लिखेंगे कैसा रहा आपका दिन। ठीक है, सबका कमेंट चाहिए। शुरू करते हैं आज की लर्निंग। पहले निफ्टी की बात करेंगे, फिर बैंक निफ्टी की बात करेंगे। अच्छा, कल के लिए आप लोगों ने ध्यान रखना है थोड़ा सा। कल मार्केट में वन साइडेड मूव आएगा, जो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं वो होता है। आप लोग जो FII DII वाली मैंने वीडियो ऑप्शंस वायर के लिए बना रखी है, वो आप लोगों को देखनी चाहिए। अगर उसको देखोगे वो वर्क करती है। आज हमारा ट्रेड अकॉर्डिंग टू प्लान कैसा रहा? ये इसने 5 मिनट की पहली कैंडल बनाई, इसने ब्रेक नहीं करा ना ऊपर को ना नीचे को, इसने ब्रेक करा यहां पे अराउंड 10:35 पे, ब्रेक करा, हमें प्रॉफिट दिया, डिसेंट प्रॉफिट दिया, सबको दिया होगा आराम से। ये इसका ओपनिंग प्राइस था, इसको ब्रेक करने के बाद में 50-60 पॉइंट का मिला। जिन लोगों ने अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी आज ट्रेड करा होगा उनको प्रॉफिट मिला, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। तो आपने लेवल्स के ऊपर ट्रस्ट करना है। मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, सर मैं क्या करूं, सीई लूं या पीई लूं? भाई टिपर नहीं हूं मैं। अगर आप लोगों को इतनी ही जरूरत है कि आपको टिप चाहिए, आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, तो फिर आपके लिए ले आता ना प्लान। मैं बहुत महंगा हूं, आपसे नहीं खरीदा जाऊंगा, इसलिए जो फ्री में सिखा रहा हूं वो लर्निंग वाले लर्न करो। जिनको टिप चाहिए वो मेरे को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ओके, आप लर्न करो, फ्री में बढ़िया से सीखो और आपको बहुत फायदा होगा। तो टिपरों के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तो लिख दिया था टेलीग्राम पे भी कि जिसको टिप चाहिए वो ज्वाइन ही ना करे, और ज्वाइन करा तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो लालच है नहीं ना कि मैंने आपको फंसाना है या कुछ करना है। आपको हार्डकोर लर्निंग देनी है, सीखना है। और एक भाई का था कि आपकी ये लाइंस आप पहले लगा देते हो, आप बाद में हमें समझ नहीं आता है। भाई लगाने के बाद तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या ट्रेड करना है। अगर बिना लगाए मैं यहां पे जैसे लोग घुमाते हैं ना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपको ये सामने तो है कि आप इसको यूज करो, ट्रेड कर सकते हो। लर्न तो धीरे धीरे करेंगे, यही लर्निंग है, धीरे धीरे करके। वीकेंड पे लर्निंग वीडियो, वीकडेज पे मार्केट का ये स्टेटस कि मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट का बिहेवियर, यही चलेगा। अब देखो कल के लिए सिंपल है, आज तो आपके लिए ज्यादा लेवल्स भी नहीं है, सिंपल है। फ्लैट ओपन होती है तो आपको वन साइडेड मूव मिलेगा। आपको अगर अपसाइड की रैली पकड़ती है, आपको 19,828 देख सकता है आराम से कल ही कल में, बहुत आराम से। और अगर मान लिया ज्यादा बुलिश हुई क्रॉस करके, वो बाद की बात है। अगर यहां से रिजेक्शन लेती है देन डाउन साइड आपने चुपचाप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डाउन साइड का ये पकड़ती है मूव, तो इस जोनर में आप ट्रेड नहीं करोगे। इसको, इस पर्टिकुलर एरिया को, ये जो ये एरिया है 19,725 से लेके 19,743, इस एरिया के बीच में आप ट्रेड नहीं करोगे। 19,725 से लेके 19,745 तक इसके बीच में आप ट्रेड नहीं करोगे। इसको क्रॉस करती है अपसाइड को, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी ट्रेड करो। जिनका रह जाएगा उनके लेवल सीधे सीधे हैं कि अपसाइड को अपने कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हो। मैं आपको लेवल्स देता हूं, लेवल्स कैसे काम करते हैं आप सबको पता है। तो आप इनको ट्रस्ट करो, ट्रेड करो और इंजॉय करो योर जर्नी, ठीक है। इस अगर फ्लैट ओपन होता है अपसाइड का मूव, गो विद द फ्लो, आपको यहां तक के टारगेट मिलेंगे कल ही कल में। अगर यहां से डाउनसाइड का ट्रेंड पकड़ती है फ्लैट ओपन होके, तो आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड रहेगा डाउनसाइड के लिए। बट अगर कल गैप अप ओपन हो गई तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कैंडल का। ये तो हो गया सिनेरियो कि फ्लैट ओपन हुई तो ये होगा। अगर मान लिया कि कल गैप अप ओपन हो जाती है, तो थोड़ा सा ट्रेड ना मिलना थोड़ा सा टफ है, पर आपको लेवल ये मैंने क्रिएट कर दिया। अगर आपको ये आज जहां से हाई था इसका, इसको क्रॉस करती है, तो आपको ये 40-50 पॉइंट की अपसाइड की रैली मिल सकती है आराम से। अगर गैप डाउन होती है, इसके नीचे होती है,
आप डाउन साइड के लिए ट्रेड दे सकते हो। 700 की वैल्यू खत्म कर दी है, अब 700 को बहुत बार टेस्ट कर दिया, अब ब्रेक करेगी तो आपको 19674 दिखेगा। सबसे अच्छा सिनेरियो है जो कल मार्केट कर सकती है फंसाने के लिए कि फ्लैट ओपन हो। इस एरिया के बीच में ट्रेड नहीं करोगे, अपसाइड को ब्रेक करती है, फ्लो के साथ जाना है, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड, प्रॉफिट लो और निकलते रहो। स्टॉप लॉस छोटे रखना क्योंकि वन साइडेड रैली आने के पूरे चांसेस हैं। कल बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब बैंक निफ्टी में क्या है कि उसने दो दिन ना इसी रेंज में बिता दिए, इतनी सी रेंज में, तो अब इसके बीच में क्लोज हुआ है। इफ ओपन फ्लैट यू विल गेट बिग मूव, ये फैक्ट है। अगर मान लिया 45530 के आसपास या इसके बीच में और 45639, ये थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि 100 पॉइंट का है जोनर, पर इसको बीच में अगर होती है तो 100 पॉइंट कुछ भी नहीं बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसके बीच में ओपन होती है आप वेट करना, लेवल स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको ट्रेड मिलता है, डेफिनेटली आपको लेना है। बट अगर आप लेवल्स को ट्रस्ट करके ट्रेड करते हो, आपने डाउन साइड का ब्रेक करता है, इसको अवॉइड करना है, सिर्फ इतने से पोर्शन को, ये 30-40 पॉइंट का और है नीचे को 45490, इसको अगर अवॉइड कर लिया तो ये आपको डाउन साइड को काफी अच्छा मूव देगा। और अगर फ्लैट ओपन होके अप साइड का मूव देता है तो ये छोटी सी रेजिस्टेंस है, यहां पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, तो आपको तो लेवल मान ली यहां पे मिली, कंसोलिडेट किया कैंडल ने, अप साइड का मूव दे रही है, ले लो ट्रेड, कोई टेंशन नहीं है। आपको टारगेट मिलेगा आपके अकॉर्डिंग टू कैपिटल, अकॉर्डिंग टू योर लेवल्स, छोटा सा स्टॉप लॉस रखे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखो ना यार फिर, और ऊपर का ट्रेड लो, करो कैरी। यहां पे हडल लेती है तो आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा अप कर लो और आप इस रैली को पूरे को कैप्चर कर सकते हो। आप मेरे लेवल्स पे ट्रस्ट करते हो, आपको फ्लो के साथ में बिग मूव को लेना है, वन साइडेड अपसाइड को मिलता है, जाओ यहां पे आपको निकल जाना है। अगर गैप अप ही ओपन होता है, रिजेक्शन लेता है, डाउन साइड के लिए ट्रेड लो। और अगर मान लिया बड़ा गैप डाउन होता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि बड़ा गैप डाउन हो गया और नीचे नहीं जा सकती, नीचे के लिए तो पूरा प्रेशर है ही है। अगर इसको ऊपर जाना होता तो आज तो एक्सपायरी थी, आज ये ऊपर का मूव ले सकती थी। अगर डाउन साइड का सिनेरियो बनाती है तो ये नहीं है कि डाउन साइड आ गई है तो अब ये ऊपर चली जाएगी। लेवल्स लो ना यार, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड लो। अगर आपको मान लिया 45251 तो आपको पता है और वीक होगी, कल आपको बताया था ये चीज कि 251 के नीचे लेना, 351 के वैल्यू खत्म होगी, अब बहुत बार टेस्ट हो गया, बहुत बार ही टेस्ट हो गया। तो इसीलिए डाउन साइड के लिए अगर गैप डाउन ओपन होती है, यहां तक आती है, बिल्कुल अलर्ट रहना है, रिजेक्शन लेती है, फुट साइड का ट्रेड ले लो। बहुत बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है यहां पे, ध्यान रखना इस चीज को। कोई कंफ्यूजन नहीं रखा कल के लिए तो फ्लो के साथ चलो, बहुत अच्छा प्रॉफिट है कल। वन साइडेड रैली कोई नहीं बता सकता आपको ये चीज, और बीच में टेलीग्राम पे सपोर्ट आती रहेगी। जितने भी नए लोग हैं ना वो ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भाई। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।